समाई कई गाड़ियां। मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र के कैसरोल में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 बाइक जमीन में समा गईं। बाइक सवारों की बड़ी मुश्किल से जान बची। दरअसल घटना देर शाम की है। नागफनी क्षेत्र के कैसरोल इलाके से गुजर रहे लोगों में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 4 बाइक जमीन में समा गई। बाइक सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल पिछले एक महीने से इलाके में सीवर लाइन डलने का काम चल रहा है, जिसके चलते कई जगह बड़े मैन हॉल बनाए गए हैं जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। सीवरेज का काम करा रही कंपनी ने इन बड़े गड्ढों को खुला छोड़ रखा है, जिसके चलते आज ये हादसे हो गए। आपको बताते चलें, 4 साल पूर्व थाना गलशही क्षेत्र में इन गड्ढों ने ही 3 लोगों की जान ले ली थी, जिसका रेस्क्यू भी सेना द्वारा चलाया गया था। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उक्त कंपनी सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय निवासियों में इस घटना के बाद से खासा रोष व्याप्त है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्या परेशानी आ रही है? जब से सर ये सीवर लाइन का गड्ढा हुआ है, जब से दसियों तो हादसा हो चुका है, लोगों का हाथ टूट चुका है। और जरा कितनी बार ये पाइप लाइन क्रेक हो चुकी है, मेरी इमारत के नीचे नहीं वो पानी जा चुका है, जिससे अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया तो सीवर लाइन वाले या पुलिस प्रशासन या मोदी जी इसके जिम्मेदार होंगे। आपकी बुनियाद हादसा होता है तो लगभग कितनी ऊंची बिल्डिंग है आपकी? मेरे सर 3 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है। तो आपकी नींबू में पानी आ गया, इससे खतरा है आपको? इसका जो भी नुकसान होगा, जान माल का, पूरी फैमिली, बच्चे छोटे छोटे सब रहते हैं, कोई भी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार जो है सीवर लाइन वाले। आज आपके घर के आगे क्या हुआ था? सर मेरे घर का आगे जो है सीवर लाइन पाइप जो है फट चुका था पानी का, जिसकी वजह से जो है रोड पे पानी, और 3 बाइकें घुस चुकी है इसके अंदर, और सब नींबू तक में पानी। कितने दिन से लगभग काम चल रहा था ये? सर 1.5 महीने से काम चल गया। अभी तक इसको कोई ध्यान कौन दे रहा है इस पर? जी कौन ध्यान नहीं दे रहा इस पर? अभी कोई नहीं ध्यान दे रहा था। पुलिस को बुलाया था, पुलिस कहती है हमारा काम नहीं, नगर निगम का काम है, अब हम किससे कहा है। आपने इसकी शिकायत करी, आपकी नींबू में पानी आ गया, नगर निगम में आपने एप्लीकेशन दी? सर ये अभी ये पानी तो कई बार आ चुका था, इससे पहले थोड़ा आया था, सबसे ज्यादा अभी आया है। अब जो है सुबह को इसकी कार्रवाई करी जाएगी, जो भी हम करेंगे। अब पुलिस यहाँ मौजूद है? पुलिस है मौजूद। कितनी देर लगा पुलिस को छोड़ने लगी? कई हल्के रिक्शे पलट चुके, हाथ टूट चुके, कई हादसे हो चुके इसके अंदर। सबसे ज्यादा क्या चाहते हो आप लोग, क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरी बिल्डिंग का जान माल का कोई हादसा होता है तो उसके जो है जिम्मेदार सिविल लाइन वाले और पुलिस प्रशासन और नगर निगम, जल निगम वाले सब होंगे, जिसके जो भी जिम्मेदार होगा। कोई हादसा हुआ इस मोहल्ले में या मेरे घर के अलावा किसी का भी हुआ, सब जिम्मेदार होंगे। थाना नागफनी मोहल्ला किस हुआ? मोहल्ला आपने क्या देखा यहाँ, क्या हुआ? अभी गाड़ी लेकर जा रहे थे तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, तो गाड़ी इतनी गड्ढे में फंस गई थी, यहाँ बिल्कुल प्लेन जगह थी उस टाइम में, लेकिन इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लगभग कितनी गाड़ी गड्ढे में गई? ये गाड़ी 3 गाड़ी गई। अच्छा, यहाँ पुलिस मौके पहुँची थी क्या? उस टाइम तो नहीं थी। कितने लोगों का लगभग कितनी अंदर रहते थे? बहुत 15-20 मिनट तो रहे। किसी के चोट वोट लगी? कितने लगभग कितने टाइम से ये कार्य चल रहा है यहाँ बस सेवर का? ये कम से 1 घंटे से चल रहा है। कब से चल रहा है? कितने दिनों से? एक महीना हो गया। बहुत मतलब माना जा सकता है कहीं ना कहीं सुस्ती नजर आ रही है इसकी? जी जी।